I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Legacies. को अंदर आना बाकी है और शिव गेमिंग यानी कि एसजी आर्मी जो कि सेंटोसा आइलैंड पे है उनको सर्कल के अंदर आना बाकी है। वो सेंटोसा आइलैंड पे तो जाने के लिए उनको बहुत टफ चीज हुई रहेगी, उनको जाना ही बहुत मुश्किल पड़ा रहेगा, तो अभी जाके वो उधर पहुंची रहेगी। लेकिन ये देखिए यहाँ पे, ओ माय गॉड, बहुत ही शानदार शॉट के साथ तरुण ने एक नॉक कर दिया है। तेलुगु गेमर्स के दो प्लेयर्स तो नॉक हो चुके हैं। तरुण नीचे कूद के उनने काफी एचपी खो दी यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्चर्स वापस से एक और टीम के ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी है। उन्होंने ऑलरेडी दो नॉक्स कर दिए हैं, उनको मालूम है कि सामने वाली टीम काफी लो रहेगी यहाँ पे, या फिर उनके पास डिसएडवांटेज रहेगा। तो देखते हैं कैप्चर्स यहाँ पे उनके ऊपर हल्ला बोलते हैं कि नहीं, लेकिन वो फिलहाल के लिए तो उन्हें जाने दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी उन्हें यहाँ से जाने देंगे। आई थिंक उनका प्लान ये है कि वो लंबा फ्लैंक करके उनको किसी दूसरे एंगल से पकड़े और तेलुगु गेमर्स को किसी दूसरे जगह पे फाइट करने के लिए फोर्स करे। ऑब्वियसली तेलुगु गेमर से फाइट कंटिन्यू करना तो नहीं चाहेंगे, तो वो यहाँ आर्मी की तरफ से लड़ रहे हैं। टीम एरो के ऊपर काफी अच्छा धब्बा बोल चुके थे, दो प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन करके मेरे ख्याल से खेल के निकाल लेता है। देखिए यहाँ पे किल फिट किलर हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे हैप्पी ने जस्ट को यहाँ पे कर दिया डाउन, एंड यहाँ पे किल टीएससी ऋतिक ने यहाँ पे जीटी आर्मी के ऊपर डोमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। एनटी आर्मी की बात करें, यहाँ पे एक प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं करण, एंड एमकेआर एंड केटीएम यहाँ पे डाउन पड़े हैं। क्या इनको रिवाइव मिलेगा? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि बहुत दूरी है। एंड क्या बात करते हैं कि यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर टीम पीवीएस आर्मी गेमिंग, पीवीएस गेमिंग, तो यहाँ पे टीएन आर्मी तो हो चुकी है हमारी एलिमिनेट। एंड हम लोग बात करें पीवीएस गेमिंग के बारे में, पीवीएस गेमिंग मतलब टाइटल नेम जो है इनका, यही प्लेयर यहाँ पे हो चुके डाउन, और यहाँ पे देखिए काफी अच्छा डोमिनेट करने की पूरी कोशिश। एंड तेलुगु गेमिंग काफी ज्यादा बैलेंस प्ले कर रहे हैं काफी सभी टाइम से, एंड जीटी आर्मी फाइनली एलिमिनेट हो चुकी है। टीएजी ऋतिक का काफी अच्छा प्ले, और आप क्या कहेंगे टीएजी ऋतिक के बारे में, मतलब टीएजी के बारे में, और यहाँ पे देखिए काफी अच्छा प्ले देखने को मिला है। बाकी आप बताइए आगे। नहीं देखने को मिल ही रहा है, जरूर मिल रहा है। एंड यहाँ पर मकेश की बात करें तो पूरी कोशिश करें लेकिन नॉक हो जाएंगे। एंड लवर बॉय की बात करें तो भी नॉक होकर पड़े, तो ब्लैक टीएन अकेले बचो अब उनकी टीम के लिए। तेलुगु गेमर्स के पास दो टीम दो प्लेयर्स लाइव है, चार टीम एट प्लेयर्स लाइव, नेट भी आएगी लेकिन नेट से बचना पड़ेगा। उन्होंने ग्लूवॉल भी लगाई है लेकिन ये देखिए हैप्पी ने मकेश को फिनिश कर दिया है। एंड इंपॉर्टेंट प्ले ग्लूवॉल से, इन्होंने घेरा सा बना लिया अपने आजू बाजू, बहुत टाइट सा घेरा बना हुआ है, लेकिन उनको अंदर जाना पड़ेगा। अभी जो जोन मिलेगा वो रुकने नहीं वाला है, लेकिन वो सेंटर में एकदम सेंटर के अंदर खड़े बीएल के तरुण, तो उनको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन हैप्पी है हाई ग्राउंड पे, तो जैसे ही नीचे उतरेंगे पारा से अच्छा परफॉर्मेंस। तेलुगु गेमर्स की हालत खराब इनिशियल मैचेस के अंदर, इनिशियल मैच के अंदर स्टार्ट में ही यहाँ पे तीन प्लेयर्स को खो चुके हैं हमारे तरुण। एंड यहाँ पे मन घूम रहे हैं अलग अपनी टीम से, एंड मान तो पड़े काफी अच्छा डिफॉल्ट स्प्रे, तो यहाँ पे काफी अच्छा डिफॉल्ट स्प्रे करा है यहाँ पे तरुण ने। एंड तरुण की कॉस्ट्यूम मेरे को पर्सनली बताओ तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, काफी ज्यादा ऐसी कॉस्ट्यूम लग रही है जैसे बुकैम्बो की, तो देखने की बात है कि बुकैम्बो टाइप कॉस्ट्यूम पहन के आएंगे और काफी प्यारे लग रहे हैं इसमें। और देखने की बात है बाकी हेयर्स भी काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं, काफी अच्छे से ऐसा लग रहा है कलर वलर करा करके आए, तो पूरी तरह जिंदा है। एंड ये पहले सर्कल में ही तरुण की बात करें तो सीधा देखिए ग्लाइडर निकाल के जा रहे इतना दूर, उनको फर्क नहीं पड़ता, जिपलाइन भी यूज कर सकते हैं बट ग्लाइडर लेके जाएंगे अभी फिलहाल तो, एंड दिक्कत नहीं है कोई डिस्टेंस कवर कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ता कोई। एंड अकेले बचे प्लेयर तो उनको ज्यादा देर सर्वाइव करना पड़ेगा, दिक्कत यही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूएवी भी आ चुका है ऊपर, तो वो तो देखा ही होगा उन्होंने जैसी स्पॉट होगी, लेकिन आजू बाजू कोई है नहीं तो उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट ऑफकोर्स उन्हें थोड़ी पता है कि आजू बाजू कोई नहीं है। एंड अब देखे टीम नंबर 7 टीम नंबर 6 मैप के एकदम टॉप में शिपयार्ड के आजूबाजू गुलजार के आजूबाजू घूम रहे हैं। एंड इन द मीन टाइम टीम नंबर 4 10 एंड 8 के बीच में फाइट देखने को मिल सकती है। जी हाँ, हम लोग बात करें तो फाइट्स तो देखने को मिलेगी क्योंकि बिल्कुल पीक आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो 8 नंबर टीम काफी लगने का, बट 4 नंबर टीम के अमन जो जादूगर के काफी अच्छे प्लेयर हैं, काफी ज्यादा एमवीपी प्लेयर रहे हैं पिछले कई सारे मैचेस के अंदर, वो फायर कर रहे हैं 8 नंबर टीम की तरफ। एंड एंड तेलुगु गेमर्स की बात करें तो जीरो किल्स है उनके पास, थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है अगर एलिमिनेट होते हैं, बिकॉज ना ही उनको मिलेंगे प्लेसमेंट पॉइंट्स, ना ही उनको मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट्स। अभी आप इनिशिएटिव लीजिए, जाइए बिंदास यू नो सर्कल के एज पे जाके ट्राई टू गेट योर कपल ऑफ किल्स। एंड सनी शर्मा की बात करें वो तो भैया मतलब पूरी तरीके से बुली कर रहे हैं सामने वालों को, लेकिन उनको अंदर जाने की जरूरत है। इस टाइम पे अगर उन्होंने मूव करना शुरू नहीं किया तो आगे जाके बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ब्लैक टीएन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे तीनों ने उनको खत्म कर दिया है। एंड तेलुगु गेमर्स के लिए पहला किल
तेलुगु गेमर्स ने जो पीवीएस का बीच में खिचड़ी बना करके काम खराब करा ना, वो काफी ज्यादा इनसेन था। मतलब दो टीम्स एक टीम के पीछे पड़ गया है। टीएसजी आरबी भी एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ पे, एंड स्विंगर का यूज करते हुए बार बार जब भी स्विंगर यूज किया जा रहा है, बार बार मेरे दिमाग में वही चीज इस जगह पर ही हुई थी और वही चीज दिमाग में एकदम से पॉइंट करती है। इस तरफ हम लोग बात करते हैं नैप गेमर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे जोन को, बट यहाँ पे पनिशर्स भी एलिमिनेट हो चुके हैं नैप गेमर भी। एंड इस तरफ लोग बात करते हैं टाइप का काफी अच्छा प्ले देखने को मिला, एंड तेलुगु गेमर ने एक प्लेयर उनका डाउन पड़ा हुआ है 18 YT, तो यार ये डाउन पड़े हुए हैं। एंड इस तरफ लोग बात करें तो यहाँ पे तेलुगु गेमर है वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, एंड इस तरफ एसजी आर्मी पे भारी पड़ गए पूरी तरह से, एंड यहाँ पे इनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो बाकी आप बताइए इस तरफ जो हमारी टीम्स है, अब जो जोन है काफी ओपन है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है ये तो समय ही बताएगा दोस्त हमें। लेकिन जिस तरीके के प्लेयर्स हमें देखने मिल रहे हैं, ये मैं कहूँगा कि बहुत ही आला दर्जे के प्लेयर्स है, बहुत ही शानदार प्लेयर्स हैं। अब मन की बात करें तो वो कोशिश करें सामने गोलियां चलाने की, तो एवस इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी भी हमें देख रही है क्योंकि वो सीधा स्कोप करके स्पैम करें। लेकिन ये देखे स्वामी, ओ भाई साहब, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा ताहिर को। एंड ताहिर ने एक और बात एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से नॉक किया है एंड ताहिर जिस तरीके से क्विकली ट्रेड हुए बहुत ही ज्यादा फास्ट था। एंड यहाँ पे एमपीजी को जिंदा रहना पड़ेगा, लेकिन एक प्लेयर को नॉक किया, क्या दूसरे को एलिमिनेट कर पाएगा सवाल ये बनता है।